तो है गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो गाइस आप लोग का स्वागत है इस ब्लॉग चैनल में। तो जैसा कि गाइस मैंने आप लोग को बताया था कि आज समर हो गई है, छठपूजा स्टार्ट, और मम्मी हो चुके हैं नहा धोवा के रेडी। और अभी मम्मी बना रही है जो कहते हैं प्रसाद, नहीं खाएगा जो प्रसाद होता है वो अभी बना रही है। लौकी की लौकी वौकी सब काट वाट के रख दी है मम्मी, बना चालू कर दी। अभी क्या बनाया है अभी? दाल। तो मम्मी ने अभी दाल बना ली है। अब हमारी लौकी पड़ी, अभी लौकी बनाएंगे, फिर उसके बाद चावल बनाएंगी, और फिर उसके बाद मम्मी प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद सब धीरे धीरे सब खाएंगे, और फिर थोड़ा बाट बाट के आएंगे। देखिए पीछे अभी बन रहा है। तो गाइस ये यहाँ पे मम्मी ने लौकी काट रखी है, ये लौकी सब्जी बनाने के लिए, और ये पकोड़े बनाने के लिए है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मिर्ची विर्ची का तड़का लगेगा, और यहाँ पे चढ़ा दिए कढ़ाई वढ़ाई। और यहाँ पे हमारा बन चुका है, दाल रेडी हो चुकी है, चावल वावल बनना बाकी है, और हमारा आज लगेगा घी का इसमें तड़का। और मम्मी बना रही है, मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी तो अभी उतारना है तेल। ये डब्बे में पड़ा तेल, तेल उतार देते एक बार। तो गाइस ये रहा अपना तेल, तेल निकाल लिया है, अब देना है मम्मी को, फिर मम्मी थोड़ा तड़का वड़का सब्जी बनाएंगे लौकी की, और देनी भी है सबको। तो यहाँ पे मम्मी इतने में लौकी की सब्जी बन जाएगी, आ जाएगी सारी लौकी। तो गाइस देखो ये मतलब हमारे घर के लिए भी है, और लोगों को बांटने के लिए। तो इतने सारी अभी लौकी काटी है, पर अभी लौकी जब बनाएंगे तो पूरी गल जाएगी और लौकी हो जाएगी आधी। और गाइस यहाँ पे चल रहा है अभी छठ पूजा का सॉन्ग लगाया हुआ है, क्योंकि चार दिनों का होता है, चार दिनों में मम्मी छठ पूजा का हम लोग सॉन्ग कब से सुन ही रहे थे, दिवाली से पहले पहले अभी सुन रहे थे। अभी भी चार दिन है, अब तो स्टार्ट हो गया, अब तो सुनना ही पड़ेगा। तो वही हम लोग अभी गाना सुन रहे थे, मेरा फेवरेट सॉन्ग है छठी मैया का पहला व्रत, जो पहला फर्स्ट पहला व्रत का जो होता है, फर्स्ट टाइम जो करता है उसका है। अभी सॉन्ग यहाँ पर चला दिया है एक और सॉन्ग। तो गाइस अभी मम्मी भी बना दी खाना रेडी कर रहे, फिर उसके बाद आगे और मज़ा आने वाला है। और आज अभी देव आके भी आना है, तो अभी चलो जब तक गाना वाना सुनता है जब तक मम्मी सब बना कर लेगी। तो गाइस यहाँ पे मम्मी लगा रही है पैरों में आलता, और कर रही है पैर लाल लाल, और अभी बन गया मम्मी खाना। अभी टाइम है जब तक मम्मी पैरों में आलता लगा रही हैं लाल लाल आलता। टिंग 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 टिंग। तो गाइस यहाँ पे सब रेडी कर दिया है मम्मी ने, ये पकौड़े वकौड़े बनाए हैं, अभी पकौड़े और बनाना बाकी है। थोड़ा मम्मी को भूख लगी है, तो पहले मम्मी को पहले खाना देते हैं। मम्मी खाना खा लेगी, दाल चावल सब रेडी बन चुका है, अब बस मम्मी खाना निकालना है, और मम्मी एक बार खा ले फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर देने भी जाना है। तो गाइस अभी निकाल रहे हैं मम्मी के लिए खाना, और यहाँ पे दाल हमें किसमें देनी, कटोरी में? यहाँ पे भी मम्मी के लिए निकाल रहे हैं खाना। पीले टिश्यू पहले भैया। दाल मम्मी ज्यादा गाढ़ी नहीं हो गई है? निकाल देते। तो गाइस ये यहाँ पे मम्मी का निकल गया है खाना। अभी पहले मम्मी खाने से पहले लगाएंगे छठी मैया का भोग अलग से, और फिर खाएंगे मम्मी, और फिर मम्मी का थोड़ा बहुत जूठा है जो हम लोग खाएंगे वो खाना चाहिए। कहते हैं कि जूठा होता है जो भगवानों का जूठा, वो खाना चाहिए। अभी देना भी है ना, देना भी है ना, किस किस को देना है?
नहीं चलाया है पूरा दाल। खाओ गरम गरम ही तो निकाला अभी। तो ये मम्मी ने पहले कहवा खा लिया है और इसी के साथ तो गाइस अभी मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है, फिर उसके बाद मम्मी पकौड़े पकौड़े बनाएगी, फिर सबके यहाँ पे पापा प्रसाद देख के आना है, फिर कल का भी शेड्यूल बिजी शेड्यूल है, 4 दिन का पूरा बिजी शेड्यूल हो जाता है। और फिर कल का भी है, अब शाम को जाना है, फिर सामान लेके आना, मॉल जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, तो मॉल जाएंगे, मॉल से फिर सामान लेके आएंगे कल के लिए। फिर कल का मम्मी खीर और जो रोटी बनाती है वो प्रसाद बनेगा कल, तो फिर कल मम्मी होगी अच्छे से तैयार, कल होगी नई साड़ियाँ पहन के सब तैयार होगी। और अभी बहन आने वाली है, वो भी आएगी, फिर अभी वो भी खाना वाना खाने वाली है। कब तक आएगी वो टाइम का उसका पता नहीं है, उठी लेट थी तो अब देखो कब तक आती है, अब आने में भी उसको टाइम लगेगा। चलो जब तक फिर मेरा काम हो जाएगा, जब तक मैं सबको दे दुआ के बांट बांट के आ जाऊँगा जल्दी। अभी मम्मी फिर खा ले, फिर उसके बाद बना ले, फिर उसके बाद सबको दे दुआ के आते हैं जल्दी जल्दी, फिर भूख लगी फिर वहाँ खाना वाना खा के और फिर ब्लॉग और आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देने के लिए कटोरी तैयार कर दी है, यहाँ 4-5 कटोरियाँ हैं जो अभी दाल की कर रखी है, और यहाँ पे मम्मी पकौड़े तल रही है, और यहाँ पे पकौड़े और ये दाल चुके सब्जी वब्जी डाल ली है, और फिर अभी ये सब दे के भी आना है सबके घरों पर, दे दे के आना है, जा रहा हूँ सबके, अब जाना है सबके घरों पर, दे दे के आना है प्रसाद। और यहाँ पे थाली तैयार करें बड़ी वाली थाली, फिर प्रसाद ढक के ले जाएंगे ताकि सबको दे दो क्या जाए आराम से फटाफट, और फिर भूख लगी फिर जल्दी जल्दी खाना खाना है, भूख लगी बहुत। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सबको प्रसाद वरसाद बांट के 15 करवा अभी गिन रहे थे, तो 14-15 करवा पे प्रसाद बांट के आ चुके हैं। तो मैं करना बैठे खाना खाने के लिए, ये मम्मी का जो छोड़ा हुआ जूठा प्रसाद है जो हम लोग सब मिलके खाते हैं, तो अब हम लोग अब प्रसाद को खाएंगे, अब और कोई बाकी रह जाएगा तो फिर उसको भी दे के आना है। अब बहन अभी तक आई नहीं है, देखो वो कब तक आती है, फिर उसका भी प्रसाद खाना बाकी है, बाकी हम लोग जब तक खा लेते हैं। अब सबको बाट उठा लिया है, अब हम लोग खा रहे हैं, मैं खा लूँ जब तक, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो गाइस हमारी बहन जी आ चुके हैं और इसने खाना वाना खा लिया, और अभी ये भी पैर रंग रही है, ये भाई ये 1 बजे आई है खाना वाना खा के, अब पैर रंग रही है। लड़की का भी लगता है ना, लड़की का भी लगेगा ना छठ पूजा वाले दिन, लड़के क्या कह रहे हैं, हाथों पे जाता है, हाथों पे लगते बड़े बड़े पैर है। जे जे आपके भी लगेंगे पैरों पे। हाँ तो लगेंगे नहीं क्या, करेंगे नहीं क्या, बिजनेस के लिए करेंगे नहीं, थोड़े दिन दुख देखेंगे, मतलब एक दिन के दुख देखने की बात है, जिंदगी पर छठ माता कृपा होगी तो होगा नहीं मम्मी, क्यों नहीं होगा, ये चीज मैंने इनको सब कुछ बता दिया, सच्चे दिल से छठी मैया से मनाओगे तो सब कुछ होगा, भगवान करे जल्दी जल्दी तेरे बिजनेस आगे बढ़े। पूजा पाठ में तो बहुत यूं कर लेते हैं छठी भाई, मेरे भी जल्दी जल्दी अच्छा सा कर दे बस, तेरे सास नहीं आ रही है बोल दे मैंने। तो गाइज हमारी बहन बहन आ चुके थे और उन्हें खाना वाना खा लिया है। तो गाइज अब वीडियो की अब आ चुकी है एंडिंग। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और क्या करें मम्मी, सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब की जगह संस्कार करें। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइज।